जी हाँ, किसान आंदोलन का 85 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 85 दिनों में 85 नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिर चक्का जाम को क्यों नया हथियार बना लिया गया, आंदोलन एक्सप्रेस को शॉर्टकट वाली पटरी पर क्यों दौड़ाया गया, जिस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बताया गया उसका दायरा सिर्फ 5 राज्यों तक सिमट कर क्यों रह गया, क्या इस आंदोलन पर जिद भारी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से किसान नेता सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं उससे उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं, और लगातार जारी इस आंदोलन के चलते सरकार की कोशिशों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों की पड़ताल के साथ आज हम बात चुभेगी दिखाने जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आज ऑपरेशन आंदोलन, जिसमें हम सिलसिलेवार ढंग से करेंगे किसान आंदोलन की इनसाइड स्टोरी का पूरा खुलासा। दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, दिल्ली आ गए आप गए। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। पिचासी दिन के किसान आंदोलन में क्यों अटके 85 पेज? कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। होने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा। एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। क्यों धरना हुआ धड़ाम? ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने। क्यों नया हथियार बना चक्का जाम? शॉर्टकट वाली पटरी पर क्यों दौड़ी आंदोलन एक्सप्रेस? 5 राज्यों तक ही क्यों सिमटा घमासान? बॉर्डर वीरान क्यों नहीं आए देश भर के किसान? आंदोलन के पतीले में सियासत वाली खिचड़ी, ट्रैक्टर वाली अराजकता क्यों बात इतनी बिगड़ी? टिकैत की नाकाबंदी से जाटलैंड में गोलबंदी तक, किसान आंदोलन पर भारी जिद वाली कुल्हाड़ी। ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने। ऑपरेशन आंदोलन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।